मैं श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदुस्तान न्यूज 24 में। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों। सरकार के लेखपाल ने की महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश। रामपुर जिले की मिलक तहसील में लेखपाल ने किसान के साथ साथ उसकी पत्नी को भी पीटा। शायद प्रदेश के मुखिया का डर खत्म हो गया है। ध्यान दें, प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, क्या यही महिला सशक्तिकरण है? एक बूंदे में और सरकार के नौकर में आखिर फिर अंतर क्या है, ये ध्यान देना होगा। जिले के आलाधिकारियों को सोशल मीडिया पर वाहवाही लुटने वाले जिलाधिकारी, ध्यान दें क्या यही महिला का सम्मान है भाजपा सरकार में। आज तहसील मिलक में परवीन पत्नी इस्लाम अपनी जमीन की नाप कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी मिलक को दिया, जिसका गाथा सर 222 व 223 है, जिसकी जांच हल्का लेखपाल सुबोध अग्रवाल को करनी थी। पीड़ित ने अपने प्रार्थना पत्र में कुछ लीगों द्वारा अतिक्रमण का भी जिक्र किया था, पर उसकी बात नहीं सुनी गई और उसके साथ मारपीट की गई। पीड़ित के साथ उसकी पत्नी व छोटे बच्चे भी थे। उसकी पत्नी को भी अपशब्द बोले गए, ऐसा पीड़ित ने अपने बयान में कहा है। पीड़ित इस तरह मारा गया कि वह दर्द से तड़प रहा था, जिसे देखकर तहसील के सारे वकील एकत्र हो गए और आरोपी लेखपाल के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग करने लगे। पीड़ित की पत्नी ने बताया कि उसके पति से 50,000 रुपए की मांग की गई थी। सवाल उठता है कि अब हर काम कराने के पैसे देने होंगे। इस तरह के आरोप तहसील में पहले ही लग चुके हैं कि तहसील परिसर में कुछ निजी लोगों को बैठा रखा है, जो आए दिन लोगों से पैसे की मांग करते हैं, नहीं देने पर लड़ने को उतारू हो जाते हैं। ऐसे हालातों में अब प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम के लिए घर से पैसे लेकर चलना होगा, तो क्या अब तहसील मन गरीब की कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या नौकरशाही बेलगाम हो चुकी है? आम आदमी अपनी फरियाद आखिर किससे कहेगा? आखिर कब तक गरीब का खून यूं ही चूसता रहेगा ये थप्पड़बाज लेखपाल? हिंदुस्तान न्यूज 24 मिलक से विकास वशिष्ठ की रिपोर्ट। भाई शांत रहो ना। सबोध और भी कई लोग थे और लड़के हैं दो तीन। कितनी देर तक मारपीट हुई है? और कम से कम दो तीन मिनट, तीन चार मिनट के बाद हुई है। और मैंने कहा जब आदमी को, मतलब मेरे सामने मार रहा है, तू क्या बैठी जाएगी? मैंने कहा अच्छा मुझ पर हाथ लगा कर देखो जरा। बोले मैं हाथ लगाऊंगा तुझे सब कुछ करूंगा मैं, तू बता। इस्लाम तो मेरे भी पीछे में दो तीन घूम से मारी। आपका क्या नाम है? परवीन। कौन दुकान रहती है आप? क्या हुआ आपके साथ? और मारपीट कर रही है। तहसील में गए थे आपके आदमी, तो किस बात पे अच्छी मारपीट हुई? यही बात पे हुई थी, जब हमारी जमीन का कागज था ये देने गए थे। अच्छा। हाँ, तो एटीएम सामने कह दिया था, मतलब वहाँ जाकर ये दे दो जी। अच्छा, लेखपाल को। अच्छा, तो लेखपाल को देने गए थे जी, तो इनको मारा। लेखपाल का नाम क्या है? उग्रवाद बोलती है क्या? सुबोध उग्रवाद। सुबोध अग्रवाल। हाँ, और तीन चार और लोग हैं। तीन चार और लोग भी थे? दो तीन लड़के हैं। दो तीन लड़के, उन्होंने भी संग में मारा? हाँ, उन्होंने भी हाथापाई। आप उस समय वहाँ थी? उस समय हम मैं खड़ी थी बराबर से, और ये लोग खूब मारा थे बेरहमी से। तो मैंने कहा इनकी बेरहमी से मेरे हस्बैंड को मारा है, बहुत गलत कर रहे हैं तुम ये। अच्छा, तो बोले तू क्या बच जाएगी क्या? मैंने कहा मुझ पर हाथ लगी था, तो दो तीन मुझे लोगों ने मारे मेरे। अच्छा, सबके सामने तुम्हारे भी हाथ उठाया? हाँ, मेरे ऊपर भी हाथ उठाया। अच्छा। और गंदी गंदी गाली दे रहा था, कह निकल जा यहाँ से, इज्जत लेके अपने थोड़ी बहुत बतिए ये ले जा। अच्छा अच्छा। तो किस बात की, किस चीज की शिकायत लेके क्या मांगने गए थे कि सरकारी ये गया था जी, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, आप देखिए हमारा नपत करा दीजिए। किस चीज की नपत को लेकर? मतलब हमारी जमीन थी, तालाब हैगा, वो जमीन ही हमारी तालाब है हमारा। तो कब से नहीं हो रही थी नपत, कितना दिन हो गया? बहुत समय हो गया, बहुत सारी जगह दे चुके थे, लेकिन सब लोगों ने ये कहा था वहाँ पे नेपाल के पास जाओ, आपके जिला के हैं वो, आपका देखभाल करेंगे, वहाँ पे आपकी सुनवाई करेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये नपत करके आए वहाँ? नहीं, अभी तक नपत नहीं करी। नहीं, कब से मांग चल रही थी नपत की तुम्हारी? हमारी नपत की बहुत कम से कम हो गए तीन चार महीने, चार महीने पांच, तब से नपत नहीं करी। नहीं। अभी कोई किसी तरीके की कोई मांग तो नहीं? किसी पैसों की मांग करते थे। कितना मांग रहे थे पैसे? मैं पैसे मांग रहे थे 50,000 रुपए। 50,000? हम लोग गरीब हैं। अच्छा, हम 50,000 रुपए कहाँ से लाके दें? अच्छा, कमाना खाना मजदूरी है रोज की। तो आपने नहीं दिए तो फिर आज उन्होंने मारपीट की? हाँ, हमने नहीं दिए तो उन्होंने मारपीट की थी। तू रोज कई बार आ चुका, तू मेरे पास ऐसे ही खाली आ जाता है। अच्छा, पैसे नहीं दिए तूने एक भी रुपए। अच्छा। हाँ, बोले मैं गरीब जो, बोले हमारा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं गरीब आदमी हूँ सर, आप क्या कह रहे हो, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा इतने। कौन सा गाँव है अपना?
धनेली उत्तरी धनेली उत्तरी है हाँ।